चुनाव को लेकर के हम मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं। इसी सिलसिले में हम छतरपुर में हैं। आज हमने यहाँ पे लगभग 50 कैंडिडेटों का साक्षात्कार किया है। किस तरह का दौरा है और किस तरह से लोगों को चयनित कर रहे हैं? हमारा जो फॉर्मूला है, पहला क्राइटेरिया हमारा है ट्रिपल सी का, ट्रिपल सी का करेक्टर, क्रिमिनल और करप्ट, ये 3 सी का फॉर्मूला है। इसके तहत हम कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। उसके अलावा हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं और उसका जनाधार देखते हैं। तो इस तरीके से हम कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। और आपसे जानना चाहेंगे कि कई सालों बाद एक बार फिर जो है वो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सक्रिय होने जा रही है, इतने सालों तक इतना जो गैप रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, गैप नहीं रहा है, लगातार एक्टिविटीज़ जारी थी। हल्के संख्या में हो सकता है आप लोगों तक कम खबर पहुंची हो, लेकिन हम लगातार सक्रिय थे और इस चुनाव में हम बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। लगभग 4400 सीटों पे आम आदमी पार्टी कैंडिडेट उतारे। निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में पार्टी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि जो जो लोकल स्तर पर जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और जो लोकल एरिया डेवलपमेंट है, उस पर हम लोग काम करेंगे और अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करके राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग पार्टी को तैयार कर रहे हैं, ताकि इस भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर किया जा सके, जिसने पूरे देश को बेचने का काम किया है। चुनाव को लेकर कितनी तैयारियां हैं जो आम आदमी पार्टी? तैयारी चल रही है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत कुछ कर लिया। उत्तर मध्य प्रदेश में अभी हमारी शुरुआत है, लेकिन ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जब तक मध्य प्रदेश का चुनाव विधानसभा का आएगा, तब तक हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सत्ता में तो आने नहीं देंगे।